है कि इतने खराब हालात होने के बावजूद भी आपस में जो दो मुल्कों की तकरार है उसके बावजूद करतारपुर का जो है रास्ता कॉरिडोर वो खुल रहा है। यही तो हम कहते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकरार होती है तो उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर को ही क्यों भुगतना पड़ता है। अगर करतारपुर का रास्ता चालू है तो आज जो हमारा रावला कोट है वो बंद है, बीच में उड़ी वाला बंद कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वाघा बॉर्डर भी चलता है, करतारपुर भी कॉरिडोर खुलेगा, मगर जम्मू कश्मीर में जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब भी टकराव होता है तो उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ता है। जी मैम, अगर साथ में बात करें जो अभी यहाँ पे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, जो मतलब यहाँ पे अभी इल्तवा में रखी गई है असेंबली इंतखाबात को, तो उस पर बात करें। नहीं, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड है कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में हैं, बहुत दो चार हैं, पकड़ दकड़ है, बहुत सख्ती है लोगों को हर हिसाब से, उनके पास किसी के पास जाने का कोई किसके पास चले जाएं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके असेंबली इलेक्शन होनी चाहिए और यहाँ सरकार बननी चाहिए।